किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, हम जिंदगी में पाना बहुत कुछ चाहते हैं बट मिलता वही है जो हम डिजर्व करते हैं। स्वागत है जी आपका एक नई वीडियो में, और आज हम बात करेंगे क्या 2026 में कोडिंग सीखना वर्थ है या नहीं है। आप कॉलेज में हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट आते हैं जब आप AI को कुछ भी प्रॉम्प्ट करते हो, तुरंत हमें कुछ बना के दे देता है। एक टाइम था, मुझे आज भी याद है, हम कितना ज्यादा गूगल करते थे, स्टैक ओवरफ्लो करते थे, हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक टाइम लगता था, 3 दिन लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं। आज थोड़ा सा AI की वजह से एफिशिएंसी तो बढ़ी है, तो आज हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि आप ऐसा क्या अपने अंदर रखें जिससे आप इररिप्लेसेबल रहें, और आप कैसे इस AI ड्रिवन दुनिया में अपने आप को रिलेवेंट बना सकते हैं। सो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड तक देखना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग क्या सोचते हो आप प्लीज बताइएगा, मैं जरूर आपका कमेंट पढ़ूंगा और आपको रिएक्ट करूंगा। देखिए, एक चीज समझिए, मैं मानता हूँ इस बात को कि AI कोड लिखता है, हमें असिस्ट करता है, हम जैसा प्रॉम्प्ट करते हैं उसके हिसाब से हमें जवाब भी देता है, बट आप मेरी बात मानिए कि जो डेवलपर है डायरेक्शन वही डिसाइड करेगा। AI आपको कोड लिख के दे रहा है, अच्छी बात है, डेवलपर के अंदर जो खूबी होनी चाहिए ना वो ये होनी चाहिए कि उसको सिस्टम अच्छे से समझ आता हो, कोड कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। जो डायरेक्टर है वो डेवलपर है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इमेजिन करो आप स्विगी यूज करते हो, जोमेटो यूज करते हो, आपने ऑर्डर प्लेस किया, 6 सेकंड के अंदर राइडर असाइन हो गया, ETA जो होता है कब खाना आएगा ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहता है, मैप अपडेट हो जाता है। इसके पीछे AI नहीं है, इसके पीछे एक रियल टाइम सिस्टम है, एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट की सोच है, डेवलपर है, फ्रंट एंड टीम है, बैक एंड टीम है, उन्होंने एल्गोरिथम को इस हिसाब से डिजाइन किया है। तो यहाँ पे प्रॉपर एक टीम है, डेवलपमेंट टीम है, जिनकी एक अच्छी खासी समझ है उस सिस्टम के प्रति, तभी आपको वो जो आपने खाना ऑर्डर किया आपको टाइमली मिल पाता है। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए। ठीक है, आप क्रेड एप्लीकेशन बना रहे हो, छोटी मोटी एप्लीकेशन बना रहे हो, दैट इज फाइन फॉर लर्निंग, बट एक्चुअली जो रियल टाइम सिस्टम होते हैं वहां पे एक अच्छी खासी सोच होती है। जब AI टूल नहीं थे तो ये सोच हम गूगल से डेवलप करते थे, लोगों से सुनते थे, लोगों के एक्सपीरियंस से सुनते थे। आज AI का जमाना है, तो नो डाउट ये चीजें हमारे लिए अब इन्फॉर्मेशन जो है, जो ज्ञान का सागर है, ज्ञान का भंडार है, वो हमें मिल जाता है वहां से। तो मैं हमेशा कहता हूँ आज के टाइम पे स्मार्ट होना बहुत जरूरी है, एंड यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2026 की मेन टैगलाइन बोल रहा हूँ, यू शुड बी अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। तो ये वीडियो आपको कंप्लीट डायरेक्शन देगा, बस ध्यान से मेरी बात को सुनो। सबसे पहला पॉइंट, कोडिंग का फ्यूचर, नो शुगर कोटिंग। मैं सीधी बात करता हूँ आप लोगों से। देखिए, एक समय था जब हम jQuery यूज करते थे, हम जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते थे, हम जैसा हमारे पास टेक्नोलॉजी था उसके हिसाब से अपने आप को अपस्किल करते थे और काम करते थे। अब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ, हमने भी चीजें सीखी, हमने भी रिएक्ट सीखा। अब कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि आपको रिएक्ट आता हो, आपको एंगुलर आता हो। देखिए, एक चीज समझिए, कोडिंग का फ्यूचर डेड नहीं हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है जैसे जैसे नई चीजें आ रही हैं। जब नई चीजें आती हैं तो नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, पुराने रोल जो है चाहे जिस रोल पे भी आप हो, रिप्लेस नहीं होंगे। हाँ, वो हो जाएंगे अगर आप वहीं बैठे हुए हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे। एक टाइम था नोकिया फोन की वैल्यू कितनी थी, कितना ज्यादा एक मार्केट पकड़ी हुई थी, बट उन्होंने अपने आप को टाइमली अपडेट नहीं किया, तो और जितने उनके कॉम्पिटिटर थे वो आगे बढ़ गए। इस तरीके से हमारे पे भी ये चीजें लागू होती हैं कि डेड कुछ नहीं है, सब कुछ आपके ऊपर है, एज अ इंडिविजुअल आप कहाँ बैठे हो, कौन सी कंपनी में बैठे हो, आपको क्या इस टाइम पे अपस्किल करने की जरूरत है, जो आपका एग्जिस्टिंग अभी आप काम कर रहे हो उसके साथ आपकी गाड़ी चलती रहे। आज के टाइम पे कंपनीज को चाहिए अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर, और तो मिल जाएगा ये ऐसे कंपनी को पता है, बट आप अच्छा सोच पाते हो, एक अच्छे थिंकर हो, आप कैसे एक स्केलेबल ऐप बना सकते हो, वो एक माइंडसेट चाहिए। तो अगर आपका वो माइंडसेट है, आप बहुत पैशनेट हैं, आपको सिस्टम समझ आता है, आपको टर्म समझ आती हैं, तो भाई साहब आप बिल्कुल सेफ हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है, बस पैशन होना चाहिए, भूख होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है वो है वेब डेवलपर्स के लिए, जो मैंने एक माइंडसेट शिफ्ट देखा है पिछले कुछ महीनों से और साल से मैं जो देख रहा हूँ। पहले होता था जी HTML CSS JavaScript आता है तो बात बन जाएगी, आप कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे, बट आज थोड़ा सा टाइम अलग है, क्योंकि अब आप रिएक्ट भी अगर यूज कर रहे हैं तो उसको आप बोलिए कंपोनेंट बना दो जी, ये फिग्मा का डिजाइन आपको बना के दे देगा, वही बंदा कहता है यार ये तो यार बड़ा सही है यार, ये तो जल्दी से काम हो गया। कंपनीज को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप उनकी दी हुई प्रॉब्लम को अपने दिमाग से या किसी और के दिमाग से भी कर रहे हो, बट इंटरव्यू निकालने के लिए एक क्राइटेरिया है, 3-4 राउंड देके जाओगे तभी तुम्हें एक अच्छा पैकेज ऑफर होगा। अब कंपनी कहती है कि ठीक है तुमने कंपोनेंट लिखवा लिया AI से, अब उसे आप कैसे रियूजेबल
अवेलेबल बनाओगे, कैसे तुम कस्टम हुक यूज करोगे। अब तुम्हें वो फंडामेंटल और तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, तुम्हें वो समझ ही नहीं है, तो कैसे सोचोगे, कैसे आप एक स्केलेबल ऐप बनाओगे, आप कैसे आपकी अप्रोच रहती है एक सिस्टम के प्रति, कैसे एक वेल ऑप्टिमाइज कोड आप फिट करोगे चाहे आपको AI ने दे दिया है। एक बात ध्यान रखिए, चाहे 2600 या 2700 इस AI के जो जमाने में ना, आपको AI के साथ मिलके काम करना है और आपको स्मार्ट काम करना है। जिस इंसान में वो स्मार्टनेस है वो अपनी जगह बनाए रखेगा विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आप बिल्कुल आउटडेट नहीं होंगे, आपको सच बता रहा हूँ। एंड इसका एक बेस्ट तरीका होता है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इंटरव्यूज देते रहिए अगर आपको मार्केट में जानना है क्या चल रहा है। आप बहुत सारे लोग अभी मुझे देख रहे हैं, कोई अब कहीं से देख रहा होगा, कोई कहीं से देख रहा होगा, आपके अपने सपने होंगे। आप जहां बैठे हैं अपना सेल्फ असेसमेंट करते रहिए, यार मैं अभी यहां हूं, यहां जाने के लिए मुझे ये तैयारी चाहिए। मैं कुछ आपको यूजफुल रिसोर्सेज दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपके लिए बहुत काम आएंगे। तो इस तरीके का अगर माइंडसेट रहेगा तो आप चाहे वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड में है, बैक एंड में, फुल स्टैक में, आप बिल्कुल आउटडेट नहीं होंगे, या कोडिंग में आप किसी भी रोल पे हैं, बट आपको एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, AI के साथ मिलकर काम करना है और जो कंपनी के JD में लिखा हुआ है उनको वही देने की आपको कोशिश करनी है। समय लगेगा, अच्छा खासा लगेगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बट दोस्त मेरी बात मानिए, मैंने भी किया है। एक टाइम था क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, सेल्फ डाउट आते हैं, कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट कंसिस्टेंसी इज द की मेरे दोस्त, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ एक ओल्ड मेथड और एक न्यू मेथड, बट उससे पहले अगर आप रिएक्ट सीखना चाहते हैं फ्रॉम जीरो टू इंटरव्यू रेडी, कंप्लीट रिएक्ट, 37 आवर्स ऑफ कंटेंट, मैंने पूरा अपना एक्सपीरियंस डाल दिया उसके अंदर, आप चेकआउट कर सकते हो अभी, फ्लैट 20% ऑफ है और न्यू ईयर स्पेशल है। अगर आप न्यू ईयर में अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं फ्रंट एंड के अंदर और स्पेशली रिएक्ट JS के अंदर, रिएक्ट क्वेरी, वेब पैक, टाइप स्क्रिप्ट, एवरीथिंग, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, उसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब हम बात करते हैं ओल्ड मेथड और न्यू मेथड। देखिए पहले क्या होता था, हम अपने भी, अब मैं अपने टाइम की बात भी करूं, हम YouTube फॉलो करते थे ट्यूटोरियल्स के लिए। मैं हमेशा कहता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप कोई ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है यार। आप अंडरस्टैंडिंग, जब आप चीजें देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, कुछ चीजें दिमाग में स्टोर होती हैं, एक्चुअली बाय एंड ऑफ द डे आप हर चीज नहीं समझ सकते, आप समझ रहे हो, कुछ चीजें तो आपको याद ही होंगी ना, देख के याद होंगी, कुछ समझ होती है, कुछ याद होता है, कुछ रट्टा भी होता है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो मैं सोचता हूँ, जैसा मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, या मैं कोड करता हूँ, कुछ चीजें तो हम याद ही कर लेते हैं, उस याद से कुछ हमारा दिमाग चलता है, इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्सपीरियंस, धीरे धीरे हम सीख रहे होते हैं। तो पहले ओल्ड मेथड था, कॉपी पेस्ट किया और चिपका दिया कहीं भी, उस केस में अगर आपका वो माइंडसेट है तो आप कंप्लीटली रिप्लेसेबल हो जाओगे, आप रिप्लेस हो जाओगे। आप कैसे इरिप्लेसेबल, आपने जो भी कॉपी पेस्ट किया बट आपको समझ है इस कॉपी पेस्ट का क्या मतलब है, उस कॉपी पेस्ट के बियॉन्ड आप सोच पा रहे हो, आप इरिप्लेसेबल हो। आपको ये समझ आता है कि सिस्टम कैसे बना हुआ है, कैसे डेटा फ्लो हो रहा है, कैसे मैं इस कंपोनेंट को बेटर लिख सकता हूँ, कैसे मैं स्केलेबल बना सकता हूँ, कैसे मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान में रख के अपने एल्गोरिथम को लिखूंगा। अगर आप इस तरीके से सोच पा रहे हैं मेरे दोस्त, आप इररिप्लेसेबल हैं, बस इस चीज का ध्यान रखिए। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देता हूं, जो लोगों को डाउट रहता है ना कि ये AI हमें रिप्लेस कर देगा। आप देखिए, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, आप यूट्यूब शॉर्ट्स यूज करते हैं, यहाँ पे AI नहीं है, यहाँ पे एक चीज देखिए, एक डेवलपर का माइंडसेट है जो कि यूजर बिहेवियर, कंटेंट एनालिसिस और इंटरेस्ट मैपिंग के बेस पे आपको कंटेंट दिखाता है। ये एल्गोरिथम लिखा हुआ है, AI तो बस चीजें ऑटोमेट करता है। हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं ना, हम यार देखते हैं, अच्छा मेरा इंटरेस्ट आजकल स्पोर्ट्स में ज्यादा है, तो हम मेरी फीड स्पोर्ट्स वाली ज्यादा हो जाती है। वहाँ पे एक एल्गोरिथम ऐसा लिखा गया है जो टाइमली चेंज होता रहता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आप और कनेक्ट कर पाएंगे। ब्लिंकिट, भाई 8 मिनट में मेरे घर में खाना आ रहा है, जो भी मैं ऑर्डर कर रहा हूँ वो आ रहा है, ये कैसे हो पा रहा है? उन्होंने वहाँ पे एक टीम बैठी है, एक रियल टाइम सिस्टम बनाया है जहाँ पे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, बैक एंड डेवलपर हैं, वहाँ पे उन्होंने इंटेलिजेंट राउटिंग एल्गोरिथम यूज करी है, राइट, जिससे आपको वो 8 मिनट में मिल पाता है। तो वहाँ पे AI बिल्कुल है, असिस्ट कर रहा है। आप देखिए वहाँ पे उनका, अगर आप क्वेरी में जाएंगे, अगर आपको कोई क्वेरी होती है, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, आप उन्होंने वहाँ पे एक चैटबॉट इंटीग्रेट कर रखा है, जो भी आपके क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको जवाब दे रहा होगा। तो वहाँ पे AI जरूर है जो उन्होंने इंटीग्रेट कर रखा है, बट एट द सेम टाइम वो जो एल्गोरिथम है 8 मिनट वाला, 10 मिनट वाला, वहाँ पे जी टीम बैठी है, वहाँ पे एक ह्यूमन माइंड है। आप समझिए इस चीज को, जब तक प्रॉब्लम्स हैं तो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, जब तक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी तब तक डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी। इस बात को लिख लीजिए, आप चाहे यूट्यूब पे कितनी वीडियो देख लीजिए, कोई कितनी बातें बोले, रियलिटी इज रियलिटी। जब तक प्रॉब्लम्स हैं, जब तक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं, आप लोगों की जरूरत बनी रहेगी। करना क्या है, या मैं क्या करता हूँ,
अपने आप को अप टू डेट रखने की कोशिश कीजिए, कंफर्ट में मत जाइए। कंफर्ट में जाएंगे तो जितना फिर मिलेगा उससे आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा, उससे ऊपर जाना है थोड़ा सा अपने आप को कष्ट देना पड़ेगा। अब कुछ लोग इसे कष्ट बोले हैं, कुछ लोग इसे नहीं जी करना है यार, यही लाइफ है, यही जिंदगी है, आगे बढ़ने के लिए करना पड़ता है, हर कोई करता है। हाइज एंड लोज सबकी लाइफ में आते हैं जी, हम तो फिर भी ठीक है, इंजीनियर्स हैं, काम कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग जो हैं, विराट कोहली को ले लो आप, बैड टाइम सबका आता है, अच्छा भी आता है, राइट? देखिए कैसे रन बना रहे हैं। भगवान भी देखता है आपकी मेहनत को कि भाई बंदा लगा हुआ है, इसको दो यार। कहते हैं ना वो, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा, जो डिजर्व करता है उसको मिलता है, तो वो डिजर्व बनने के लिए भी मेहनत तो करनी पड़ती है, तभी तो हम डिजर्विंग कहलाएंगे ना। सो कोडिंग बिल्कुल सीखिए जी, बहुत सारे इंजीनियर्स की जरूरत है, कंपनीज अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहती हैं, ठीक है। बाकी जो भी यूजफुल रिसोर्सेज है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उन्हें आप बिल्कुल चेकआउट कीजिएगा। प्लस अगर आप रिएक्ट सीखना चाहते हैं, मेरे से सीखना चाहते हैं, फ्रॉम बिगनर टू एडवांस तक, स्पेशल कूपन कोड है न्यू ईयर फ्लैट 20%, जहां मैंने पूरा एक एक लाइन ऑफ कोड खुद लिखा है खुद, सो आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देगा। इस वीडियो में इतनी ही बात मैं करना चाहता था आपसे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। घबराने की बात नहीं, अगर आप वेब डेवलपमेंट में हैं, अब देखिए रोड मैप बेस में बात नहीं करूंगा क्योंकि हमने बहुत बार बात करी है, मुझे एक माइंडसेट देना था आपको वेब डेवलपमेंट के अराउंड कि कोडिंग इज स्टिल वर्थ इट जी, सीखना जरूरी है। जब तक प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर तो डेवलपर्स है। थैंक यू सो मच जी, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ज्यादा से ज्यादा, एंड सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप नए हैं तो। बाकी कमेंट कीजिए, अपना थॉट प्रोसेस बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं। बाकी मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।